छत्तीसगढ़ के छुई खदान ब्लॉक अंतर्गत गंडगई नगर में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया, जिसके चलते पीड़ित काफी मायूस व चिंतित हैं। आपको बता दें कि पीड़ित वार्ड नंबर 12 निवासी भुवन कुंभकार का मकान बारिश के पानी को सह नहीं पाया और मध्य रात्रि को मकान अचानक गिर गया, जिससे पीड़ित का एकमात्र कच्चा मकान का सहारा उसके परिवार के सिर से हट गया। पीड़ित परिवार कुल 3 फैमिली है। मकान गिरने से पीड़ित परिवार काफी चिंतित है। हालांकि मकान गिरने से किसी की जान को खतरा नहीं हुआ है, लेकिन मलबे में अनाज बर्तन सहित अन्य सामान दब गया। पीड़ित भुवन कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाकर खुद व परिवार का भरण पोषण करता है। 2 साल पहले पीएम आवास के लिए नगर पंचायत गंडगई में आवेदन भी दिया था, लेकिन आज तक उनका नाम आवास योजना में नहीं आया। वहीं पीड़ित के भाई का कहना है कि पीएम आवास की जानकारी लेने नगर पंचायत जाया जाता है तो निकाय इस क्षेत्र को पुरातत्व विभाग के दायरे में होने का हवाला देते हैं, जबकि उनके घर के करीब में ही अन्य लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला हुआ है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस गरीब के आशियाने के लिए क्या कदम उठाती है। रसनादगांव से संवाददाता इला सिद्दीकी की रिपोर्ट। आप बताइएगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये मकान कैसे गिरा? बरसात में गिरी से, पानी ज्यादा गिरा उसकी वजह से गिरा। हाँ। तो अभी तक पीएम आवास का जो बता रहे हो कि आवेदन लगाते गए हैं, तो कैसे आप लोगों को नहीं आया? बहुत लोगों का पैसा आ गया, बहुत मकान बन गए। हाँ, वही बात है ना जी, जैसे तथ्य विभाग वाले बोल रहे हैं 200 मीटर तक से नहीं बने, वही 200 मीटर लगे हुए में अन्य व्यक्ति का है ना, तो बन गए। तो दूसरे लोगों का 200 मीटर में जिनके मकान आते हैं उन लोगों का बन गया, मतलब आप लोगों को नहीं बना, नहीं बना है। तो इसके लिए गए थे क्या नगर पंचायत अधिकारी के पास या इंजीनियर पास किसी से बात करने? हाँ, तो गेरिस ना, तो तत्व विभाग वाले बोलते हो, तो तत्व विभाग वालों का कोई लेटर वेटर आया आप लोगों के पास? नहीं, कोई लेटर नहीं आया। ये जानकारी आपको नगर पंचायत? नगर पंचायत। और इसलिए आप लोगों का जो पीएम आवास की जो राशि आना था नहीं आई है? नहीं। और बाकी लोग जो तत्व विभाग के अंतर्गत अंतर्गत है, हाँ, मंदिर के आसपास, हाँ, जिनका मकान है 200 मीटर के अंतर्गत, तो ऐसे लोगों का, कुछ लोगों का मकान बना क्या पीएम आवास की जो योजना थी? हाँ, बने हैं जी, पास में बने हैं। देखो सामने ये जो व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है, हाँ, है ना, ये बनी है पीएम आवास में। अच्छा, और क्या कहना चाहते हो आप? ये जैसे ये बरसात में मकान गिरा है, इसके लिए आप लोग नगर पंचायत गए हैं, किसी अधिकारी से मिले हैं, जानकारी आपने दिया इसकी? तो अभी नहीं दे है, जानकारी दे नहीं है। अब बता ही, फिर जाही तो कर्मचारी माना कहा कहा थे, है ना, टूटा फूटा बोला। ये तुम्हारा मकान है? हाँ जी। कैसे टूटा? बरसात में गिर गया है। रात को सोया था तो गिर गया है। रात के सो रहे थे जब पानी गिरा उसमें गिरा है? हाँ। तो क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ, हाँ, पूरा बर्तन उठन था, पूरा टूट गया। अंदर और कोई था? हाँ, हम भी मनते। तो तुम लोगों को कहीं चोट वोट तो नहीं आई? नहीं। अच्छा, सबको पीएम आवास में तो पैसा मिला प्रधानमंत्री योजना में, आपको नहीं मिला? तो नहीं। तुम्हें नहीं मिला? तो आवेदन लगाए थे पीएम आवास के लिए? आज तो गया था। नहीं नहीं, आवेदन पहले दिए हो मकान बनाने के लिए, पीएम आवास के लिए जो पैसे मिल रहे थे सरकार से, उसका आवेदन लगाए हो? हाँ। कब से लगाए हो? 2 साल हो गए थे। 2 साल में तुम्हारा नहीं आया? नहीं आया। और बाकी जो और लोग थे उनका? देखो आ गया, तीतर के भी अभी आया नहीं है। तो नगर पंचायत गए तो वहाँ पे क्या बताया गया, क्यों नहीं आया, क्या वजह थी? कुछ नहीं बताया, वो तो गया था, तो इसलिए बोले सत्रह तो मैं नहीं जानो, ये जान ही बोली से राम जी है। हाँ। राम जी भी नहीं रही से। हाँ। तो भी आप कहा चाहते हो आपके मकान टूटे तो कुछ सहायता राशि? हाँ, चाहते हैं, मिलना चाहिए कि क्या सहायता मिले सरकार से। हाँ। कितने बार बच्चे हैं? एक है। काम क्या करते हो? कुमारी काम करते हैं जी, मिट्टी बर्तन, मिट्टी बर्तन बनाने का काम करते हो? हाँ। चलो अपना नाम पूरा बता दो। भुवन कुंभकार। और अपना पता बताओ। टिकरी पारा वार्ड नंबर 12। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.